कहने को तो माँ बेटी का रिश्ता पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन राजस्थान के बूंदी में हिंडोली थाना इलाके में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर तीन बेटों ने मिलकर अपने ही माता पिता से जमकर मारपीट की। इस मारपीट में मां की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई और पिता गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिंडोली थाना पुलिस ने तीनों बेटों समेत उनकी पत्नियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर मां की हत्या व पिता से मारपीट की गई है। बेटे संपत्ति बेचना चाह रहे थे। देखा ही। किसने मारा आपको? बेटा ने? हाँ। क्या मामले में? उसे मार के दुकान थी ने। हाँ? दुकान थी ने जेल से था। अच्छा, कब कब हुआ था ये? रात्रि और शनि दिन। तीन रात वो क्या था? अच्छा, कौन कौन था आपको मारने वाला? वो मणिलाल, फूलचंद्र और मुकेश। सुबह सूचना मिली थी कि आपस में इनकी झगड़ा हुआ था रात को, और उसकी माँ वगैरह की डेड बॉडी वगैरह घर पर पड़ी हुई है बड़ा नया गांव में। इसी तला पर हम वहाँ पहुँचे थे, तो कमला भाई वाइफ वहाँ अपने घर के अंदर डेड बॉडी उसकी पड़ी हुई मिली थी, और इसके पास पड़ोस वालों से पूछताछ की, इनके परिजनों के आसपास वालों से पूछताछ की, तो उन्होंने कहा इनके आपस में बैठा वगैरह उनकी बहू वगैरह ने इनके साथ झगड़ा किया, इस वजह से इसकी डेथ वगैरह हो गई थी। और मौके पर ही कार्रवाई जारी है, और पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सपोर्ट करके अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं।